स्टूडेंट्स, टूडे विल कंप्लीट क्लास एट केमिस्ट्री फाउंडेशन चैप्टर नंबर टू मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट फोर दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर विल कंप्लीट यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो शुरू करते हैं आज का वीडियो नमस्कार मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी इस चैप्टर में हमने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज या डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थर्ड लेक्चर में हमने बात की थी एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल या डिफाइनिंग ऑफ मेटल्स और लास्ट लेक्चर फोर्थ लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस यानी जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स है जिनका हमने क्लासिफिकेशन किया है उनका यूज कहाँ होता है कैसे होता है आइए देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर यूजेस ऑफ मेटल्स की यानी जो मेटल्स हमारे पास हैं उनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है ठीक है तो नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें सभी मेटल्स की तो सभी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेस पर उनके यूजेस भी होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है ऑफ मेटल्स और बाद में हम देखेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ द स्ट्रेंथ हार्डनेस रेगिडिटी ऑफ मेटल्स दे आर यूज टू मेकिंग मशीनरी ऑटोमोबाइल्स एरोप्लेन्स ट्रेन्स satellites and various industrial gadgets. यानी जितने भी मेटल्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है strength, hardness, regidity, उनके स्ट्रेंथ हार्डनेस रेगिडिटी उनके बेस पे इनका यूज़ अलग अलग जगह किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल इनका यूज़ मशीनरी बनाने में किया जाता है ऑटोमोबाइल्स बनाने में किया जाता है एरोप्लेन्स बनाने में किया जाता है ट्रेन बनाने में यूज़ किया जाता है सेटेलाइट्स बनाने में किया जाता है या फिर ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर गैजेट्स बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है तो चलिए देख लेते हैं एक एक कहाँ पर किसका उपयोग करते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूजेस ऑफ आयरन का यानी जो आयरन होता है आयरन मतलब लोहा इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं तो आयरन का जो केमिकल फार्मूला वो होता है वो होता है आपका एफ ई ठीक है एफ ई आपका आयरन का केमिकल फार्मूला होता है इसका यूज कहाँ करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ आयरन और इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील यानी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पर आयरन के लिए तो आयरन का यूज कहाँ किया जाता है स्टील बनाने में किया जाता है आपको पता है कि स्टील इज अ अलॉय अभी एलोए का टॉपिक आगे आएगा तो हम वहाँ पर और डिटेल में आपको पढ़ेंगे स्टील आयरन का एक एलोय है और ये किससे मिलकर बनाया जाता है ये बनाया जाता है आयरन ओर से ठीक है तो एक तो आयरन का यूज ये हो गया दूसरा क्या है कि आयरन इज कम्बाइंड विथ वेरियस अदर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन क्रोमियम निकेल सिलिकॉन एंड मोलिविडियम तो ये अलग अलग एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है मिलाया जाता है मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद डिफरेंट वैराइटीज की स्टील जो है वो यहाँ पर तैयार की जाती है यानी बनाई जाती है किसकी हेल्प से आयरन की हेल्प से ठीक है प्रोसेस नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी जो आयरन मेटल होता है उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज क्या होती है नेचुरल प्रॉपर्टी उसकी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ठीक है तो जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो किससे बनता है आयरन से बनता है और इसीलिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं एज वेल एज़ इलेक्ट्रो मैग्नेट और इसका उपयोग इलेक्ट्रो मैगनेट बनाने के लिए भी किया जाता है जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट की तो इसका अलग से एक वीडियो बना हुआ है वो आप देख सकते हैं लेकिन फिलहाल मैं यहाँ आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रो मैग्नेट होता क्या है या काम कैसे करता है तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जैसे मान लेते हैं ये आपके पास कोई पाइप है ये ठीक है ये सिंगल पाइप है और इस सिंगल पाइप में यदि हम कोई भी वायर लपेट देते हैं जैसे मान लेते हैं ये आपका सिंगल पाइप है खोखला पाइप ये नॉन मेटल का हो सकता है प्लास्टिक का हो सकता है लकड़ी का हो सकता है किसी चीज का भी हो सकता है ठीक है अब इसको हम क्या कर रहे हैं अब इस पर हम एक वायर लपेट रहे हैं चारों तरफ कुछ इस तरह से जिसे हम बोलते हैं क्वायल ये हमने कॉइल लपेट दी अब आपको देखो दो इंड दिखाई दे रहे हैं एक इंड ये दिखाई दे रहा है और दूसरा इंड ये दिखाई दे रहा मान लेते हैं ये इधर आप पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं ठीक है ये आपने लगा दिया इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर लगा दिया आपने निगेटिव चार्ज ठीक है अब इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो ठीक है तो ये किसके हेल्प से बनाया जाता है आयरन के हेल्प से दैट इज द यूज ऑफ आयरन होप यू हैव क्लियर नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ एल्यूमिनियम यानी जो एल्यूमिनियम मेटल होता है उसका यूज कहां किया जाता है तो एलमोनियम की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड आर्टिकल्स सबसे पहला यूज़ यही है कि जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं यानी घर में जो चिन्ह में हम बर्तन यूज़ करते हैं वो किसके बनाए जाते हैं एलमोनियम के बनाए जाते हैं एंड मेकिंग एरोप्लेन्स और इसका यूज हम किस लिए करते हैं एरोप्लेन बनाने में किया जाता है अच्छा एरोप्लेन बनाने में किया क्यों जाता है अगर हम बात करें तो इसकी जो बेस्ट प्रॉपर्टी है वह है बिकॉज ऑफ इट्स लाइटनेस क्यों क्योंकि इसका जो वेट होता है वो बहुत लाइट होता है और हल्का होने की वजह से आसमान में उड़ने में आसानी होती है और इसीलिए एल्युमिनियम का हवाई जहाज बनाया जाता है क्लियर है चलिए अच्छी बात बात नेक्स्ट अगर हम बात करें इट इज आल्सो यूज्ड टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल आपको पता है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल केबल होती हैं बड़ी बड़ी या जो बिजली के खंभों में बड़ी बड़ी वायर लगी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं एल्युमिनियम की बनी होती है बिकॉज इट क्वाइट चीपर एट कॉपर क्यों क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है किसके अपेक्षा कॉपर की अपेक्षा वैसे अगर हम बात करें गुड कंडक्टिविटी की इलेक्ट्रिसिटी की तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है कॉपर यानी कॉपर यूज करना चाहिए बट कॉपर थोड़ा सा महंगा होता है उसकी तुलना में अल्मोनियम सस्ता होता है इसलिए हम इसकी इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाते हैं नेक्स्ट आपका है एलमुनियम फॉयल एलमुनियम फॉल यूज़ किया जाता है आपको पता है किचन में रोटी रैप करने के लिए खाना रखने के लिए टिफिन में रखने के लिए हम एलमोनियम फॉयल का यूज़ करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि आपको पता है कि एलमोनीम जो होता है उसकी मिलाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उसको बहुत पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था लेक्चर नंबर वन में तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं तो आपका एलमोनियम फॉयल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है ठीक है तो ये हो गए आपके यूजेज़ ऑफ एलमोनियम चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेटल नेक्स्ट मेटल है हमारा यूजेस ऑफ कार्बन यानी जो कार्बन मेटल होता है उसका यूज हम कहा करते हैं तो अभी हमने बात की अलूमुनियम की अब देख लेते हैं कॉपर की तो इट इज यूज टू इलेक्ट्रिकल गैजेट इनका यूज कहाँ किया जाता है सबसे पहले तो जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं वहां पर इनका यूज किया जाता है बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से फ्लो करते हैं इसलिए इनका यूज़ इलेक्ट्रिकल गैजेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग रेडिएटर्स और इसका यू कहाँ किया जाता है रेडिएटर्स बनाने में किया जाता है कहाँ पर ऑटोमोबाइल्स में बिकॉज द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिए हो गया आपके यूजेस तो नॉर्मल तौर पर यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगता है दो ही यूजेज हैं क्या नहीं यहां पर जो इंपॉर्टेंट यूजेस बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है आपको पता है कॉपर के बर्तन भी बनाए जाते हैं है ना कॉपर और जगह भी यूज किया जाता है तो जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है उसको यहां पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है लेकिन मेन मेन जो यूजेज हैं मैं आपको बता देता हूं चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट यूज नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में आती है केमिस्ट्री लैब में मैंने एक बार आपको दिखाया था तो केमिस्ट्री लैब में जो आपकी जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसको जब हम जलाते हैं तो बहुत तेजी से लाइट प्रोड्यूस करता है जैसे आपने देखा होगा जो बिल्डिंग करने वाले लोग होते हैं जब बिल्डिंग करते हैं तो एक चश्मा पहन लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो ऐसे जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो ऐसी ही लाइट प्रोड्यूस होती है तो इसके यूजेस क्या है देख लेते हैं इट इज यूज इन फ्लैर्स एंड फ्लैश बल्ब इन फोटोग्राफी बिकॉज इट बर्स इन एयर विद डेजलिंग वाइट फ्लेम वही है देखो यहां पर यह है आपका डेजलिंग वाइट फ्लेम जिसकी वजह से इसका यूज कहां करते हैं इसका यूज हम करते हैं फोटोग्राफिक में करते हैं फोटोग्राफिक में किस रूप में करते हैं तो जो फ्लैश बल्ब होते हैं जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है वहां पर मैग्नीशियम का यूज किया जाता है नेक्स्ट आपका एलोय ऑफ मैग्नीशियम बीइंग लाइट एंड स्ट्रांग आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड अदर व्हीकल्स इसका यूज और कहाँ किया जाता है तो एयरक्राफ्ट में किया जाता है और दूसरे व्हीकल्स में किया जाता है क्यों क्योंकि तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नीशियम के जो एलोए होते हैं वो लाइट वेट के होते हैं और स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से इसका यूज हम एयरक्राफ्ट में कर सकते हैं ठीक है ठीके? चलिए नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम बीइंग रेसिस्टेंस इन क्रोजन इट इज जोस्ड लाइन वाटर टैंक यानी जो वाटर टैंक होते हैं वाटर पाइप होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है क्यों किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम क्या होते हैं रेसिस्टेंट टू क्रोजन रेसिस्टेंट टू कुरोजन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्साइड नहीं फॉर्म करते हैं क्रोजन नहीं होता है जिसकी वजह से इनका यूज़ कहाँ करते हैं वाटर पाइप और टैंक्स में किया जाता है ठीक है चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका यूजेस ऑफ जिंक जिंक भी आपका एक मेटल है और जिंक का यूज कहाँ करते हैं जिंक का प्रयोग कहाँ करते हैं आइए देख लेते हैं तो सबसे पहले कोटिंग ऑफ जिंक इज प्रोवाइडेड ऑन आयरन स्टील टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन ठीक है तो कोई भी आयरन है या स्टील है उसमें कोरोजन होता है उसमें जंग लग जाता है वो ऑक्साइड फॉर्म करता है लेकिन अगर आयरन स्टील के ऊपर जिंक की हम कोटिंग कर दें जिंक की क्या कर दें कोटिंग कर दें तो वो कोरोजन से प्रिवेंट हो जाता है हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल में कोरोजन टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पर प्रिवेंटिंग के हमने कई सारे मेथड बताए थे वहाँ आपने देखा था तो जब हम आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या गेल्वेनाइजेशन द कोटेड मेटल इज कॉल्ड गैलवनाइज आयरन और जिस मेटल के ऊपर कोटिंग की जाती है उसे हम बोलते हैं गेलवेनाइज आयरन ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं नोबल मेटल्स एंड देयर यूजेस नोबल मेटल्स का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा कि नोबल गैसेस होती हैं तो नोबल गैसेस का मतलब ये होता है कि जो गैसेस किसी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं उन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस तो उसी तरह कुछ मेटल्स भी हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्यों क्योंकि -क्यों उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है इसी बेस पर उनको हम कह सकते हैं नोबल मेटल्स तो ये देख लेते हैं कि नोबल मेटल्स के कौन कौन से यूजेज हैं तो यहाँ पर ये यह आपका गोल्ड है गोल्ड सिल्वर, प्लैटिनम आर नोन एज नोबल मेटल एंड दिस मेटल आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर वाटर एंड एसिड क्यों क्योंकि जितने ये मेटल हैं ये ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना एयर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से खराब नहीं होते हैं तो इनके यूजेस भी अलग अलग जगह होते हैं तो आइए देख लेते हैं गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम के सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ सिल्वर यानी जो सिल्वर मेटल होता है उसका यूज उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं तो सबसे पहले है यूज इन ज्वेलरी आप सबको पता है कि सबसे पहला यूज क्या होता है कि ज्वेलरी में हम इसका यूज करते हैं बिकॉज इट इज़ टू सॉफ्ट क्यों क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है इसको हम किसी भी ढांचे में किसी भी तरह ढाल सकते हैं अच्छा यहाँ पर सिल्वर की सिर्फ प्रॉपर्टी सॉफ्ट नहीं है बल्कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ी थी कि जो सिल्वर होता है वो डक्टाइल भी होता है और में लाइबल भी होता है डक्टिलिटी मतलब होता है इसको थिन सीट में कन्वर्ट करने के थिन सॉरी थिन वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं और थिन सीट में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मिलाइबिलिटी जिसकी वैसे इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं ज्वेलरी बनाने में करते हैं इसके बाद यूज टू मेक क्वाइंस एंड मेडल्स यानी क्वाइन और मेटल बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं मेडल्स बनाने में नेक्स्ट है आपका यूज टू मेक कंटेंस इन सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और साथ में इनका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने में भी किया जाता है बिकॉज सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इलेक्ट्रोप्लॉटिंग यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज किया जाता है एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है अथिन लेयर ऑफ सिल्वर इज डिपोजिट ऑन अनदर मेटल बाई इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जब किसी मेटल पर सिल्वर की कोटिंग चढ़ाई जाती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिस और इसी को चलिए देख लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक बर्तन है चलिए ये मेरे पास एक बर्तन है ठीक है अब मुझे क्या करना है किसी ये एक मेटल है मेरे पास जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रो प्लेटिंग करनी है यानी सिल्वर की लेयर चढ़ानी है तो हमने ये ले लिया सिल्वर ये आपका शुद्ध सिल्वर है और ये दूसरा मेटल है जहाँ पर लेयर चढ़ानी है और इसको ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं एक में पॉजिटिव टर्मिनल एक में नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिसिसिटी जोड़ देते हैं और यहाँ पर कोई सोल्यूशन भर देते हैं इसके बाद क्या होता है कि ये जो सिल्वर होता है ये वाला ये निकल के धीरे धीरे कहां डिपॉजिट होने लगता है दूसरे मेटल पर और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट यूज है आपका इसका कंपाउंड ऑफ सिल्वर आर यूज इन फोटोग्राफिक यानी फोटोग्राफिक में इसके कंपाउंड यूज किए जाते हैं जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो गया सिल्वर क्लोराइड हो गया सिल्वर ब्रोमाइड हो गया है ना तो ये सभी किस में यूज होते हैं फोटोग्राफिक में यूज होते हैं साथ में एक टूथ कैविटी आर फिल्ड विथ डेंटल यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो जो दांत की जो कैविटीज होती हैं उसको फिल करने के लिए भी सिल्वर का यूज करते हैं विच इज़ एलोय ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड मर्क्यूरी यानी जो दांतों में लगाया जाता है वो क्या होता है तो वो आपका सिल्वर नाइट्रेट और मर्क्यूरी का एलोय होता है या इसी को हम बोलते हैं अमलगम क्लियर है चलिए आइए देख लेते हैं यूज ऑफ गोल्ड के गोल्ड के यूज की बात की जाए तो नॉर्मल यूज आपको सबको पता है कि नॉर्मल तौर पर जो मर जो सॉरी आभूषण बनाने में यूज किया जाता है है ना चलिए तो यूज इन ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स यानी सबसे पहले जो आभूषण वगैरह बनाने होते हैं वहां पर इनका यूज किया जाता है सेकेंड यूज इन क्वाइन एंड मेडल्स क्वाइन और मेडल तो लेटरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके एल्युमिनियम फाइल होती है ना तो वैसे गोल्ड फाइल होती है और गोल्ड फाइल पे जो प्रिंटिंग होती है उसको अपन बोलते हैं लेटरिंग ऑफ गोल्ड नेक्स्ट यूज है आपका यूज इन स्टैंडर्ड ऑफ करेंसी ऑफ ट्रेड यानी जो करेंसी होती है ट्रेडिंग के लिए तो उसके लिए कई प्रकार की करेंसीज होती हैं तो वहां पर गोल्ड भी एज अ करेंसी यूज होता है किस लिए शेयर मार्केटिंग में फॉर ट्रेडिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यूजेस नेक्स्ट यूज आपका यूज ऑफ प्लेटिनम प्लेटिनम भी एक मेटल है जो कि लेस रिएक्टिव होता है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है आइए देख लेते हैं इसके यूजेस क्या हैं तो नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें प्लेटिनम की तो यूज़ टू मेक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी जो आपके कह सकते हैं कि डॉक्टर लोग जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो बनाने में यूज़ किया जाता है इसके अलावा जो केमिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपके केमिस्ट्री लैब में कुछ होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है और नेक्स्ट यूजेज टू टू यूज टू मेक फाइन ज्वेलरी और इसका काम ज्वेलरी बनाने में भी किया जाता है साथ ही साथ एलोय ऑफ सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स फॉर एंड बैरिंग यानी इसका यूज़ कहाँ किया जाता है एक तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाने में किया जाता है और दूसरा बैरिंग बनाने में भी किया जाता है और नेक्स्ट एंड लास्ट यूज है इसका यूज एज ए कैटलिस्ट ऑफ मेनी रिएक्शंस यानी कई सारी रिएक्शंस में एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है प्लेटिनम प्लेटिनम का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है पी ठीक है अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि जैसे कैटलिस्ट की बात करते हैं तो कैटलिस्ट को कैटलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक उत्प्रेरक मतलब जो किसी भी चीज़ को उत्प्रेरित करता है जैसे आप खेल खेल रहे होते हैं तो जो ऑडियंस का काम होता है जो खुद खेल में पार्टिसिपेट नहीं करती लेकिन आपका उत्साह वर्धन करती है जिसकी वजह से काम आप अच्छा करते हो उसी तरह जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर प्लेटिनम उपस्थित रहता है रिएक्शन में भाग नहीं लेता है लेकिन उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे रिएक्शन फास्ट होती है और आसानी से हो जाती है तो ये कैटलिस्ट का यूज होता है तो एज ए कैटलिस्ट प्लेटिनम जो है वो यूज किया जाता है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम बात करते हैं एलओआई की एलोआए ऑलरेडी हमने एक बार पढ़ा था लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही ये तय है भले एक नंबर का क्वेश्चन या फिर दो नंबर क्वेश्चन आएगा ये तय है कि आएगा ही किसी भी एग्जाम में किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में ठीक है तो चलिए देख लेते हैं द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलोआई अगर आपसे पूछा जाए कि की डिफिनीशन क्या है तो यू कैन से द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स या तो दो मेटल या दो से अधिक मेटल्स को जब हम मिला दें और उसका होमोजीनियस मिक्सचर बने होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ये होता है कि जहाँ पर कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखाई दे रहे हो या जहाँ पर जितने भी कंपोनेन्ट्स मिले हुए हैं अलग अलग आपको दिखाई नहीं दे रहे हो उन्हें बोलते होमोजीनियस मिक्सचर फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एलोए एलोए का एग्जाम्पल क्या है तो आपके पास सबसे अच्छा है ब्रास ब्रास आपने देखा होगा ब्रास कोई मेटल नहीं है बल्कि एक से अधिक मेटल को मिला के बनाया जाता है दूसरा आपका ब्रॉन्ज ये भी मेटल नहीं है ये भी एलोय है मेटल को बनाया जाता है और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टील जो हमारे किचन में बर्तन के रूप में यूज किया जाता है वो भी आपका मेटल नहीं है बल्कि आयरन का एक एलोय है ठीक है तो अच्छा एलॉय बनाते क्या है तो उसका रीज़न क्या है तो द यूजफुल एलोय कंबाइन द बेस्ट प्रॉपर्टी यानी जो एलवाय होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है बेस्ट हो जाती है अच्छी हो जाती है क्यों क्योंकि जब वो दो या दो से अधिक मेटल्स को आपस में मिलते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है कैसे इंक्रीज होती है तो यहां पर देख लेते हैं यूजफुल एलवाई कंबाइन द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ टू आर मोर मेटल्स इन टू अल सब्सटेंस फॉर एग्जाम्पल कॉपर इज फुली सॉफ्ट यहाँ पर एग्जाम्पल देखना कि कॉपर जो मेटल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और क्या होता है और बहुत ही ज्यादा मिलाइबल होता है मिलाइबल मतलब थिन सीट में कन्वर्ट करना ये दो प्रॉपर्टी होती हैं शुद्ध कॉपर की लेकिन जब इसका हम एलोय बना देते हैं यानी जब हम इसको टिन के साथ मिक्स कर देते हैं तो इट्स फॉर्म ब्रोंज टिका बना देता है ब्रोंज बना देता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है विस कैन बी कास्ट इन टू स्टैचूज दैट लास्ट हंड्रेड ईयर्स जिससे स्टैटू बनाया जाता है जो कि लाखों हजारों साल तक कुछ नहीं बिगड़ता उसका समझ में आया ये उसकी प्रॉपर्टी में चेंज होता है लेकिन अगर शुद्ध कॉपर को बाहर हम रखेंगे तो वो करोड़ हो जाता है उसके ऊपर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की लेयर लग जाती है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं कुछ एलोय एग्जांपल और किस-किस से -किस से मिले हैं या कितना कितना रेशियो में बनते हैं और उनके यूज़ेस क्या हैं। यानी सम ऑफ द एलोय अलोंग विद देयर कंपोजिशंस एंड यूजर्स आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो देयर आर थ्री हेडिंग्स फर्स्ट इज एलोय, सेकंड कंपोजिशंस एंड फोर्थ यूजर्स तो फर्स्ट हमारा जो अलॉय है दैट इज ब्रास ये ब्रास है ब्रास किससे किससे मिलकर बनता है तो कॉपर एट्टी परसेंट और जिंक ट्वेंटी परसेंट इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है बनता है और इसका यूज हम कॉपर <ख़ाँ> <ख़ाँ> के साथ क्या मिलेगा टिन मिलेगा टेन परसेंट तो आपका बन जाएगा ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज का यूज कहां करते हैं मेकिंग क्वाइंस बनाने में यूज़ किया जाता है वेल well बनाने में किया जाता है और रिटेंसिल मतलब बर्तन बनाने में किया जाता है तो ये हो गया आपके दो एल और इससे हम और भी एल देख लेते हैं <coughs> क्यों देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही है जैसे आपने देखा होगा रोल्ड गोल्ड तो रोल्ड गोल्ड क्या होता है रोल्ड गोल्ड भी आपका एक एलोय होता है जो कि कॉपर और एलमूनियम को मिला बनाया जाता है और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है जो सस्ते आभूषण होते हैं आपने देखा होगा कुछ लोग रोल्ड गोल्ड के आभूषण पहनते हैं है ना तो उसका कहाँ से बनता है रोल्ड गोल्ड एलॉय से नेक्स्ट है आपका गन मेटल गन मेटल भी होता है जहाँ पर कॉपर टिन जिंक और लेड इन चारों मेटल्स को जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं मिला जाते हैं तो क्या बन जाता है आपका गन मेटल और गन मेटल का यूज़ कहाँ किया जाता है इन मेकिंग गन्स बैरल्स गेयर्स एंड बेयरिंग तो ये सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट आपका है रोज मेटल रोज मेटल भी आपका एलोय है जो कि बिस्मिथ लेड और टिन तीन। इन तीनों मेटल को मिलाकर बनाया जाता है और इनका यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ऑटोमेटिक फ्यूज जो ऑटोमेटिक फ्यूज होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है तो ये हो गए आपके तीन और एलोय और देख लेते हैं अब है हमारे पास ड्यूराल डाल क्या होता है ये भी आपका एक एलवाय होता है और ये कैसे बनता है तो एलमोनियम कॉपर मैग्नीशियम और मैग्नीज़ इन चारों मेटल्स को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो आपका बनता है ट्यूरा एलिमिन और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है फॉर मेकिंग यूटेंसिल यूटेंसिल मतलब बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका मैग्नेलियम मैग्नीशियम का बना कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर एल्मोनियम 90% परसेंट रहता है और मैग्नीशियम 10% परसेंट रहता है इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो आपका बन जाता है मैग्नीशियम और इसका यूज कहाँ किया जाता है एरोप्लेन में एरोप्लेन में फ्रेम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है नेक्स्ट है आपका सोल्डर सोल्डर मतलब जो इलेक्ट्रो uh, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं जो सोल्डरिंग करते हैं वायर जोड़ने का काम करते हैं उस एलॉय को हम बोलते हैं सोल्डर कैसे बनता है तो इसमें लेड 50 परसेंट रहता है और टिन 50 परसेंट होता है इन दोनों को जब मिला देते हैं तो सोल्डर बनता है और इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम सबको पता है सोल्डरिंग में करते हैं नेक्स्ट है आपका टाइप मेटल टाइप मेटल भी बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है और ये भी यूज़ किया जाता है टाइप मेटल को बनाने के लिए आपको चाहिए टिन फिफ्टीन लेड एट्टी टू परसेंट और एस बी मतलब एंटी मनी थ्री परसेंट और जब इन तीनों को मिला दिया जाता है तो आपको बन जाता है टाइप मेटल और इसका यूज़ क्या होता है इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री होती हैं वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट है आपका बेल मेटल बेल मेटल मतलब जो घंटी बनाने के लिए मेटल यूज़ किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं तो ये कॉपर 80% परसेंट और टिन एटी ट्वेंटी परसेंट इस रेशियो में जब हम इनको मिला देते हैं तो आपका बन जाता है बेल मेटल और बेल मेटल का यूज कहाँ करते हैं फॉर कास्टिंग बेल्स एंड स्टैचूज तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं बेल और स्टैचू बनाने में किया जाता है नेक्स्ट आपका स्टेनलेस स्टील आपने स्टील तो सुना होगा ये स्टेनलेस स्टील है मतलब दैट इज सेम लगभग सेम है स्टेनलेस स्टील को हो या फिर स्टील है ना तो ये किससे किससे बनाया जाता है तो इसमें आपका आ, आ, कह सकते हैं कि फेरियम रहता है क्रोमियम रहता है निकिल रहता है और कॉपर रहता है तो यहाँ चार प्रकार के मेटल्स का यूज चलिए

एच ये होता है हाइड्रोजन बट जब हम बात करते हैं यूज ऑफ हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं एच टू यानी हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ कहाँ होता है मैं बता देता हूँ फटाफट यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इंटू वेजिटेबल घी यानी जो डालडा घी बनता है वो किससे बनता है वो वनस्पति तेल से बनता है तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी यानी वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं हाइड्रोजन यूज़ करते हैं और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनीशियन और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनीशियन तो ये पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से समझ लेना ठीक है नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया अमोनिया आपका एक गैस होता है उसको बनाने में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है यहाँ पर देखो आप एस दिख रहा है एंड गैस विच इज़ यूज टू फर्टिलाइजर और इस गैस का यूज़ कहाँ करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट यूज का एस टू विथ रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है और सबसे अच्छा यूज होता है हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जिसे हम वाटर कहते हैं जिसका फॉर्मूला होता है एस उसको बनाने में भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है ठीक है चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन का यूज क्या क्या होता है तो यूज़ ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो जैसे हमने बताया था कि एस का बनाने में किसका रोल योगदान युग, होता है हाइड्रोजन गैस का तो वैसे ही आ, जो आपका ऑक्सीजन होता है इसका भी रोल एस बनाने में किया जाता है अच्छा उसका रीजन होता है यहाँ पर भी अगर हम बात करें सिंबल ऑफ ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है ओ ठीक लेकिन जब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन ओ नहीं होता है बल्कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला जो होता है वो ओ टू होता है तो इसका यूज किया जाता है इट इज एसेंशियल फॉर सर्वर लाइफ यानी जीवन जीने के लिए अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो आपको पता है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एंड नेक्स्ट यूज यूज़ आपका यूज इन ऑक्सीऐसीटेलिन टार्च विथ इज़ यूज टू कट एंड वेल्ड मेटल्स यानी मेटल्स को कट करने के लिए वेल्ड करने के लिए जो ऑक्सीजन टॉर्च यूज़ की जाती है वहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस का यूज़ होता है साथ ही साथ इट इज़ यूज टू मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ एसिड लाइक एच टू एस ओ फोर एंड एच एन ओ थ्री इन दोनों को बनाने के लिए भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है और लास्ट है लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न रॉकेट फ्यूल दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखेंगे कि लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ रॉकेट फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है दैट इज़ द ऑफ ऑक्सीजन चलिए देख लेते हैं अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की यूजेज ऑफ नाइट्रोजन यानी जो आपका नाइट्रोजन गैस है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है तो नॉर्मल तौर पे मैंने जैसे सभी के सिंबल्स बताए हैं वैसे अगर नाइट्रोजन के सिंबल्स की बात की जाए तो नाइट्रोजन का सिंबल होता है एन लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी नाइट्रोजन गैस की तो इसको भी एन टू कंसिडर किया जाता है एंड यूज इज़ मैनुफेक्चरिंग ऑफ अमोनिया सबसे पहला यूज़ है अमोनिया गैस बनाने में यूज़ किया जाता है क्योंकि अमोनिया गैस में बनाने में हाइड्रोजन भी यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन भी यहाँ पर हाइड्रोजन का भी यूज़ हो गया और नाइट्रोजन का भी यूज़ हो गया साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड यानी एच एन ओ थ्री को बनाने में यूज़ किया जाता है और फर्टिलाइजर्स मतलब जो खाद वगैरह होती है वहां पर भी नाइट्रोजन का यूज किया जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका यूज इन फूड यानी जो खाना होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए यूज किया जाता है बिकॉज नाइट्रोजन इज इनर्ट लेस रिएक्टिव क्यों क्योंकि तो नाइट्रोजन जो होती है वो इनर्ट होती है या लेस रिएक्टिव होती है जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि आपको पता है कि जैसे भोजन है खाना है खाना यदि हम रख देते हैं शाम तक खराब हो जाता है शाम को रख देते हैं सुबह तक खराब होने लगता है उसमें बदबू आने लगती है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है उसकी स्मेल चेंज हो जाती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी और ये किसकी वजह से होती है फॉर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन यानी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कोई भी ऑयल फूड करने तो उसका स्मेल टेस्ट चेंज हो जाता है उसे बोलते हैं रेंसिडिटी और रेंसिडिटी को बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं उनके अंदर कुछ गैस भरी होती है तो वहां पर नॉर्मल एयर नहीं होती है बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें जल्दी खराब ना हो और काफी लंबे समय तक चले नेक्स्ट यूज है आपका यूज टू प्रिजर्व फूड हो गया ठीक है यूज बाई प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स यानी प्लांट्स के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के रूट में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें प्लांट्स के फूड के रूप में नेक्स्ट आपका लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व ब्लड कॉन्स एंड अदर डोनेट ऑर्गन यानी लिक्विड नाइट्रोजन का, का यूज कहाँ किया जाता है एक तो ब्लड को कौन को या फिर अदर जो डोनेटेड ऑर्गन्स होते हैं शरीर के उनको प्रिजर्व करने के लिए सुरक्षित रखने के लिए यूज़ किया जाता है नेक्स्ट आपका देख लेते हैं मेटल नेक्स्ट है आपका कार्बन कार्बन अगर हम बात करें दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर लाइफ यानी हमारी लाइफ में हमारे आसपास लगभग 90 परसेंट चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो कि कार्बन से मिलकर बनी होती हैं चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर हमारी बॉडी ही क्यों ना हो तो देख लेते हैं इसका यूज़ कहाँ किया जाता है तो कार्बन का एक एलोड्रॉप्स होता है जिसको हम बोलते हैं डायमंड ठीक है तो कार्बन से मिलकर बना होता है डायमंड इज अ कैटेलाइंस फ्रॉम कार्बन एंड इट इज यूज टू जिम जिम में इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट आपका है डायमंड इज यूज फॉर कटिंग रॉक्स एंड ग्लास यानी पत्थर और ग्लास काटने में डायमंड का यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट भी एक इलेक्ट्रॉफ है कार्बन का तो ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ किया जाता है दैट इज yeah, ये एक मतलब एक एबसेप्सन है जब हम बात करते हैं किसकी डायमंड की या ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेकिन ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है बट यहाँ पर नॉन मेटल है मैंने वहाँ पर भी आपको जब फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स की बता रहा था तो हाँ मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइड या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स होने के बाद भी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखाते हैं या कुछ नॉन मेटल होने के बाद भी मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाते हैं तो यहाँ पर ग्रेफाइट का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि ये नॉन मेटल है लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी दिखाता है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट आपका ग्रेफाइड यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल यानी जो पेंसिल के अंदर जो आपकी ब्लैक रॉड होती है वो किसकी होती है वो ग्रेफाइड की होती है तो ग्रेफाइड से का यूज़ होता है और ग्रेफाइड किससे मिलकर बना होता है कार्बन से तो कार्बन का यूज़ हो गया ठीक है तो ये बेसिक कार्बन के यूज हो गए अब हम देख लेते हैं सल्फर यूज़ ऑफ सल्फर सल्फर भी आपका क्या है एक एलिमेंट है और सल्फर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है आपका एस ठीक है लेकिन अगर हम बात करें ये किस फॉर्म में इसका मॉलिक्यूल पाया जाता है तो वो एस टू नहीं बल्कि एस एट रूप में पाया जाता है और इसका यूज कहां किया जाता है इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस डाई बनाने में जो बाल वाल कलर करने में यूज किया जाता है मैचेस माचिस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है फायर वर्क यानी आग के जो काम होते हैं गन पाउडर यहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है एंड इट इज़ अ मेनी मेडिसिन बहुत सारी मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है दैट इज़ बेस्ट मेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो कि स्किन से रिलेटेड होती है नेक्स्ट आपका यूज़ एज फंगिस टू किल हार्मफुल फंगस यानी जो खतरनाक फंगी होते हैं उसको नष्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं और नेक्स्ट है आपका वल्कनाइजेशन ऑफ रबर फर्स्ट चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में हमने पढ़ा था वल्कनाइजेशन ऑफ रबर तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है सल्फर यूज़ किया जाता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में और नेक्स्ट एंड लास्ट इसका यूज है यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक उपयोग किया जाता है क्योंकि यहां पर आपका सल्फर अवेलेबल है चीज पर ध्यान रखना कोई भी कंपाउंड यदि <coughs> फर्स्ट यूज है आपका यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी पीवीसी का मतलब होता है पॉलीवेनिल क्लोराइड तो पीवीसी के जो पाइप्स होते हैं उसको बनाने में किसका यूज़ किया जाता है क्लोरीन का यूज होता है ठीक है एंड यूज इन वाटर वाटर डिस इन किल जम्प्स यानी पानी में जो आपके जम्स होते हैं बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एंड यूज एज द ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इसका यूज कहाँ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है किस रूप में ब्लीसिंग एजेंट के रूप में नेक्स्ट है आपका यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वहां पर भी क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है ये हो गया आपके यूजेज ऑफ क्लोरीन अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ आयोडीन आयोडीन नमक आपको पता है कि जो नमक हम खाते हैं उसमें आयोडीन अवेलेबल होता है तो आयोडीन का यूज़ कहाँ किया जाता है तो इट इज़ यूज एन एंटीसेप्टिक यानी जो आपकी एंटीसेप्टिक क्रीम्स आती हैं वहाँ पर आयोडीन का यूज़ किया जाता है साथ साथ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ टिंचर आयोडीन जो आपका टिंचर आयोडीन होता है मेडिसिन वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है और नेक्स्ट इसका यूज है मेडिसिन यानी कई सारी मेडिसिन में यूज होता है इसका नेक्स्ट है आपका आयोडाइज साल्ट 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 जो नमक हम घर पर खाते हैं किचन में एनए उसे बोलते हैं आयोडाइज साल्ट क्योंकि वहाँ पर आयोडीन मिला होता है इट इज अ कंपाउंड ऑफ आयोडीन विच हेल्प्स टू प्रिवेंट डिसीज लाइक ग्वेटर ग्वेटर मतलब जो घेंगा रोग होता है ठीक है उससे बचाने के लिए उससे आपको प्रिवेंट करने के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और इसीलिए हम आयोडीन वाला नमक खाते हैं नेक्स्ट आप कहा है यूजेस ऑफ नोबल गैसेस यानी कुछ नोबल गैसेस हैं उनका यूज़ जैसे हमने नोबल मेटल्स की बात की थी जो किसी से रिएक्ट नहीं करते नोबल मेटल्स कहलाते हैं वैसे ही कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो किसी के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस तो आइए देख लेते हैं यूज ऑफ नोबल गैसेज यानी जो नोबल गैस होते हैं उनके यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है तो द गैसेज लाइक हीलियम लाइक नियॉन लाइक ऑर्गन आर नोन एज नोबल गैसेज बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव नेचर क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी इनका यूज़ होता है कहाँ होता है तो सबसे पहला यूज़ होता है कि हीम इज़ यूज टू फिल बलून्स यानी जो आपके गुब्बारे होते हैं जो आसमान में कभी कभी उड़ते दिखाई देते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है हीम गैस भरी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है बहुत हल्की होती है जिसकी वजह से वो ऊपर उठ जाती है नेक्स्ट आपका मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन इज यूज ड्राइवर्स बाई रेस्पिरीशन यानी हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है उसको कौन यूज़ करते हैं डाइवर्स डाइवर्स मतलब होता है गोताखोर गोताखोर मतलब होता है जो कि समुद्र में तैरते हैं नदियों में तैरते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं फॉर द रेस्परिएशन मतलब सांस लेने के लिए तो सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर कौन यूज़ करते हैं गोताखोर लोग यूज करते हैं तो ये भी हो गया आपका नोबल गैस का यूज़ और नेक्स्ट है आपका आर्गन इज यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब यानी आयरन गैस का यूज हम इलेक्ट्रिक के जो बल्ब आते हैं उसको फिल करने के लिए यूज़ करते हैं या मिक्सचर ऑफ ऑर्गन एंड मर्क्यूरी वेपर्स इज यूज इन एडवर्टाइजमेंट यानी मर्क्यूरी और आर्गन का जो मिक्सचर होता है उसका जो वेपर्स होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है एडवर्टाइजिंग के रूप में किया जाता है एंड दिस मिक्सचर फॉस्फोरस आइए आप देख लेते हैं यूजेस ऑफ फॉस्फोरस फॉस्फोरस भी आपका एक नॉन मेटल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है कह सकते हैं जिस तरह से सोडियम और पोटेशियम होता है वैसा ही कुछ तो फिर देख लेते हैं कि का यूज किया जाता है तो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड सबसे पहला यूज है कि इसका फॉस्फोरिक एसिड बनाने में किया जाता है और सुपर जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स uh, होते हैं खाद वगैरह होते हैं उर्वरक होते हैं वहां पर भी फॉस्फोरस का यूज किया जाता है एंड इट इज यूज टू मेकिंग फॉस्फोरस विद द कोरोजन रेसिस्टेंट और यहाँ पर फास्फोरस का एलोय बनाया जाता है जो कि कोरोजन रेसिस्टेंट होता है और नेक्स्ट एंड लास्ट यूज है का, ध्यान रखना कि फायर वर्कने में भी इसका यूज किया जाता है स्मोक स्क्रीन बनाने में इसका यूज किया जाता है और जो माचिस की तीलियाँ होती हैं मैच स्टिक इंडस्ट्री वहाँ पर भी फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है यानी माचिस की तीलियों के सामने जो इंड में जो है आपका जो ब्लैक कलर का एक कम

साथ में ऑल्सो इन प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर कार्ड सिलिकॉन यानी एक पॉलीमर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है पॉलीमर क्या होता है आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से बताया है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में और यहाँ पर सिलिकॉन सिलिकॉन ठीक है सिलिकॉन जो होता है ये आपका एक पॉलीमर होता है जो बनाने में यूज किया जाता है सिलिकॉन एंड इट इज यूज्ड टू सेमी कंडक्टर्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज कहाँ करते हैं सेमी कंडक्टर्स के रूप में करते हैं एज अ ट्रांजिस्टर यानी जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो आपके कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं रजिस्टर वगैरह वहाँ पर इसका यूज किया जाता है क्यों क्योंकि सेमी कंडक्टर्स होते हैं दैट नॉट गुड कंडक्टर नॉट बैड कंडक्टर सेमी कंडक्टर मैंने बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज इस पर मिलते हैं इसलिए इनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर तो सिलिकॉन का यहाँ पर भी यूज किया जाता है क्लियर है चलिए तो ये हो गया आपके यूज ऑफ नॉन मेटल्स तो यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के लगभग सभी यूज मैंने आपको बता दिए हैं ठीक है तो मुझे लगता है उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब